आप में से काफ़ी मेंबर्स बैंक अकाउंट केवाईसी अप्रूवल को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप 6 दिन के अंदर ही आपका बैंक केवाईसी अप्रूव करा सकते हैं। क्या तरीका है बैंक केवाईसी अप्रूव करने का और कौन सा बैंक अकाउंट मैंने ऐड किया हूँ कि 6 दिन के अंदर बैंक केवाईसी अप्रूव हो गया, कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करोगे और क्या तरीका आप अपनाओगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपका बैंक केवाईसी जो है ऐड हो जाए आपकी पीएफ अकाउंट में, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये जो वीडियो है मैंने 2 पार्ट में शूट किया हूँ। जब मैंने केवाईसी लगाया था उस टाइम का 1 पार्ट शूट किया हूँ मैंने, बैंक केवाईसी ऐड होने के बाद दोबारा मैं शूट किया हूँ। कितना दिन में बैंक केवाईसी पीएफ अकाउंट में ऐड हुआ है आपको प्रूफ के साथ मैं अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ या समझा सकूँ। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में आप नया है, आगे भी हेल्पफुल नॉलेज वाली वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पीएफ इन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं और साथ में प्लीज फॉलो भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ यूनिफाई पोर्टल पर और मैंने कब बैंक अकाउंट केवाईसी लगाया था और कब बैंक केवाईसी ऐड हुआ है पीएफ अकाउंट में और कौन सा बैंक अकाउंट मैंने केवाईसी लगाया था और क्या तरीका अपनाओगे, सारे कुछ आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूनिफाई पोर्टल पर हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आपको इस तरीके से अलर्ट मैसेज देखने को मिल जाएगा, इस पॉपअप को हम यहाँ से कर देते हैं। लेटर आपको अपना पीएफ अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैनेज ऑप्शन पर। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है केवाईसी सेक्शन पर। दोस्तों, हमें बैंक अकाउंट ऐड करना है तो बैंक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेंबर का यहाँ पर बैंक डिटेल्स देख सकते हैं, पीएफ मेंबर का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बैंक नंबर इंटर करेंगे और कॉन्फर्म करने के लिए यहाँ पर कॉन्फर्म बैंक अकाउंट पर इंटर करेंगे और बैंक का जो आईएफएससी कोड है यहाँ पर आईएफएससी कोड इंटर करेंगे। वेरीफाई आईएफएससी कोड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। बॉक्स में चेकआउट करेंगे, सेव, तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंटर ओटीपी पर क्लिक, यहाँ पर हमने ओटीपी इंटर कर चुका हूँ। नेक्स्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यह बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई इज अंडर प्रोसेस, ए नोटिफिकेशन हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अभी जो आपका बैंक केवाईसी है अंडर प्रोसेस में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल सेक्शन पे। 5 सितंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 5 सितंबर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देख सकते हैं वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, यानी आपका बैंक के द्वारा आपका बैंक केवाईसी अप्रूव होगा। 2 दिन बाद आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस फॉर डिजिटल साइनिंग। तो दोस्तों, आपका जो बैंक केवाईसी है अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आपका पीएफ अकाउंट में ऐड होगा और ये बैंक अकाउंट जब ऐड होगा, ऐड होने के बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, आपको दिखा दिया हूं कि मैं 5 सितंबर को बैंक केवाईसी लगाया था और बैंक केवाईसी ऐड कब हुआ है, चलिए देखते हैं। सेम यूएन नंबर और पासवर्ड इंटर करके हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। सो दोस्तों, यूनिफाई पोर्टल पर हम फाइनली लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होते ही आपको इस तरीके से एक अलर्ट मैसेज देखने को मिल जाएगा, इस अलर्ट मैसेज को हम यहाँ से कर देते हैं। लेटर हमारा जो बैंक केवाईसी ऐड किया था, तो बैंक केवाईसी दोस्तों ऐड हो चुका है। इसको देखने के लिए दोस्तों चलेंगे मैनेज ऑप्शन पर, नेक्स्ट क्लिक करेंगे केवाईसी सेक्शन पर। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, तो सेलेक्ट डाउन करके करेंटली एक्टिव केवाईसी सेक्शन पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं करेंटली एक्टिव केवाईसी सेक्शन पर और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर आईएफएससी कोड देख सकते हैं और यहाँ पर स्टेटस में आप देख सकते हैं अप्रूव और यहाँ पर साइन टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएससी। तो जैसे कि आपको पहले ही दिखाऊँ, 5 सितंबर का हमने बैंक केवाईसी लगाया था और दोस्तों 12 सितंबर को ही हमारा जो बैंक केवाईसी है अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रूव और यहाँ पर अप्रूव किससे हुई है, डीएससी से, और अप्रूव किया है इंप्लॉयर ने अपना डिजिटल सिग्नेचर से। डीएससी का फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा बैंक अकाउंट मैंने ऐड किया हूँ, IDBI। यहाँ पर आईएफएससी कोड देख सकते हैं, सेलेक्ट डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों पेंडिंग केवाईसी सेक्शन पर आप देख सकते हैं कोई भी पेंडिंग नहीं है। यहाँ पर आपने देखा मैंने 5 सितंबर को केवाईसी लगाया था, सबमिट किया था और 12 सितंबर को मेरा जो बैंक केवाईसी है पीएफ अकाउंट में ऐड हो चुका है, इंप्लॉयर के डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव हुआ है। आप दोस्तों बात करते हैं कि आप 1 हफ्ता के अंदर आपका बैंक केवाईसी किस तरीके से आप अप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपना पीएफ केवाईसी को लगाते हैं उस टाइम आपका स्टेटस में शो करेगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस जब पेंडिंग विद इंप्लॉयर डिजिटल सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, तो उस टाइम आपको अपना इंप्लॉयर से कॉन्टेक्ट करना है या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आपको विजिट करना है।
जाकर के आपको इम्प्लॉयर से मिलना है, उनको बताना है कि सर बैंक केवाईसी लगाया हूँ, तो बैंक से वेरीफाई हो चुका है, आप अप्रूव कर दीजिए। तो दोस्तों आपका जो इम्प्लॉयर है आपका बैंक केवाईसी अप्रूव कर देंगे डिजिटल सिग्नेचर से, तो आपका जो बैंक केवाईसी है अप्रूव हो जाएगा 6 दिन के अंदर ही, और बिना इम्प्लॉयर की आप अपना बैंक केवाईसी को अप्रूव नहीं करा सकते। मैंने क्लियर बता दिया हूँ, मैं जो 1 हफ्ते के अंदर बैंक केवाईसी को अप्रूव कराया हूँ, तो दोस्तों मैं इम्प्लॉयर से संपर्क नहीं किया हूँ, इम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट नहीं किया हूँ। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि आप IDBI का बैंक अकाउंट KYC लगा सकते हैं। IDBI बैंक अकाउंट लगाओगे तो जल्दी से जल्दी आपका बैंक KYC जो अप्रूव हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हूँ IDBI बैंक KYC लगाया हूँ और 1 हफ्ते के अंदर ही अप्रूव हो चुका है। आई होप जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, तब तक के लिए बाय बाय।